जैसे कि ये बता रहे हैं भूत भूत ही में डिनर करते हैं, तो हम डिनर रूम में जा रहे हैं। तो चलो अभी तो दिन का टाइम है भाई। आइए छत कैसे गिर गया ये देखिए हम समय। अरे भूत भागो। तो गाइस ये देखिए मेरे भाई की तो चप्पल भी टूट गई भगने के चक्कर में। सो ये व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज धीरज सानी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस हॉन्टेड प्लेस के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था आपको, ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। तो गाइस ये लगभग भाई बताएंगे मेरे कितना पुराना है, 100 साल पुराना घर है, इसमें भूत रहता है। तो गाइस ये दिन के टाइम तो अभी बंदे क्रॉस भी कर रहे हैं, रात के टाइम तो कोई क्रॉस भी नहीं कर सकता ये एरिया। तो गाइस चलो अब एंट्री करके दिखाते हैं हम आपको कि ये घर कैसा है अंदर से। गाइस इस घर को देखिए ध्यान से कैसा लग रहा है, इतना बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है ये। गाइस मेरे को खुद डर लग रहा है दिन के टाइम यहाँ पर जाने में, ये देख सकते हो क्या गिरा ऊपर से। यहाँ पर बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। ये देख सकते हो गाइस कितना पुराना है, इसके अंदर एक पीपल का पेड़ भी है पूरा, मतलब मेन सेंटर में घर के, ये देख सकते हो पूरा सेंटर में ही है, तो काफी पुराना है ये देख। तो यहाँ से आगे यहाँ से रास्ता है क्या भाई? इधर से आ जाओ। हाँ तो ये देख सकते हो भाई साहब, मेरे को तो खुद डर लग रहा है यहाँ पर आने में। गाइस ये देखिए कहाँ से रास्ता है, यहाँ से जा सकते। अच्छा यहाँ से भी है तो अच्छा है, मतलब आराम से चलो। गाइस बहुत ही ज्यादा डरावना है ये देखिए, ये घर देखना गाइस। चलो भाई चलते अब, मेरे को तो डर वैसे ही लग रहा है। आराम से चलो, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो नहीं डरूंगा, छोड़ के मत भगना कोई। भाई साथ में रहेंगे वो, साथ में रहना। गाइस देख सकते हो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है घर, मेरे को ये देखिए गाइस मेन सेंटर पूरा गेट बना दिया पीपल का। अच्छा वहाँ सीढ़ी है उस पे मैं नीचे। गाइस अब यहाँ दूसरे घर में जा रहे हैं हम देखने, तो काफी डरावना है गाइस, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है आने में, मेरे भाई को खुद डर लग रहा है। सीढ़ियों से चले गए ऊपर, लो आओ चलते हैं। गाइस जैसे कि ये बता रहे हैं भूत भूत इसमें डिनर करते हैं, तो हम डिनर रूम में जा रहे हैं।
तो चलो अभी तो दिन का टाइम है गाइस। बाप रे ये कैसा एरिया है भाई, पूरा अंदर जा रहे हैं तो सुरंग। फोन पकड़ के वो उधर दिखाना थोड़ा, वहां से एरिया कि वहां का व्यू कैसा आ रहा है। थोड़ा इधर भी दिखाना, इधर से लेके आना मेरे को, तो गाइस बहुत डर लग रहा है वहां जाने में। ये दोनों तो डरते ही नहीं है बिल्कुल भी। भाई ये छत कैसे गिरी है बताना कुछ छत के बारे में। अरे भाई छत पूरा टूट चुका है, 100 साल पुराना घर है इसलिए बहुत पुराना हो गया था। ये अपने आप गिर गई मतलब? हाँ अपने आप गिरा है, तो उधर से जाने भी बेकार है ना। तो ये देखिए हम सब है, अब छत पे चलेंगे। चलो मैं तो जाऊंगा नहीं, आप पहले तुम दोनों चलो, दो तीन जने आगे। तू चलो आगे, आगे भाई मेरे को नीरज आगे चलो, चल मैं चलो ना छोड़ के ना भाग मेरे साथ आराम से। देखो पूरी सीढ़ी टूटी हुई है, आराम से चलना। और ये देखिए हम ऊपर आ चुके हैं भर के। ये पूरे मतलब ये घर के ऊपर आप देख सकते हो पूरे में मतलब पेड़ ही पेड़ है, पूरा जंगल हो रखा है। बहुत ही ज्यादा पुराना घर है ये, इससे ज्यादा पुराना तो इस पूरे गांव में क्या, इस पूरे मतलब आसपास एरिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड हॉन्टेड है यहाँ का। चलो आगे मैं नहीं जा रहा हूँ ऐसे में, पहले हमें ही मुंह आएगा क्या? हाँ पहले भूत मिलेगा तो तुमसे मिलेगा, उससे पहले तो हाँ। वो क्या रखा हुआ है वो मटके से? मटकी है। किस लिए रखा हुआ पता नहीं, वो पहले से ही है। बहुत टाइम पहले से? बहुत टाइम हो गया उसका। चलो आराम से चलना भाई, वैसे इतना पुराना है। कुर्सी टूटा, टेबल वेबल देखो, टेबल इसमें टेबल वेबल सब रखिए इधर। ये देखिए आराम से इतना घर साफ कैसे है ये? गाइस ये देखिए ये खिड़की खोल के देखो ना खुल रही है कि नहीं। अरे भूत को गुस्सा आ गया तो खिड़की हमारी खोल दी आपको। अरे सही बोल रहे हो, खिड़की खोलना कुछ भी यहाँ पर सामान छेड़ना लेना छ
छेड़ना सब कुछ मतलब मना ही है मान लो एक तरीके से हमारे लिए, हमको कुछ नहीं छूना यहाँ पर। इसमें देखो बहुत सारे बक्से उक्से, चलो अंदर चलते हैं एक एक करके सब, चलो ना डर क्यों, पैर कांप रहा है मेरे को, खुद डर लग रहा, साथ में डर नहीं लगता ना। ये बुक पड़ा हुआ है देखो, पहले पहले के राजा महाराजा पढ़ते थे ये सब। ये राजा महाराजाओं के टाइम का घर है ये। हाँ तो अब ये हमने तो देख ही लिया घर, चलो अब नीचे चलते आराम से। तो गाइस हम जा रहे हैं अब नीचे, आराम आराम से पकड़ना नहीं रे। आराम से आना एकदम। तो गाइस हम आ चुके अब नीचे। हो हमने तो पूरे घर मतलब घूम लिया, कवर देख लिया। सो गाइस मेरे भाई इस घर की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं। तो इसमें बहुत ही पुराना घर है ये, देख सकते हैं आप, ये इतना पेड़ जम गया है पूरे दीवार पे यहाँ पे, और पूरे कोई भी रूम में गेट नहीं है, सब टूटा हुआ है और दीवार भी पूरा टूट चुका है क्योंकि, और यहाँ पे हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पता है राजा का घर का कोई मर गया तो इसी रूम में बंद करके चला गया था। कौन सा रूम? इधर ही बंद करके चला गया था, ये वाला सामने वाला रूम में, देख सकते हो भाई साहब। तो उसके बाद चला गया था सब डर के मारे, उसके बाद इस घर में कोई इस मकान में नहीं आता था डर के मारे। तो भूत भूत बोलते हैं यहाँ पे, भूत रहता ही है, सच में भूत है। रात के टाइम तो रात के टाइम इधर से कोई जाता भी नहीं है, तो रात के टाइम यहाँ से कोई क्रॉस भी नहीं करता, क्रॉस नहीं करता है। बहुत डरावनी घर है बहुत। तो अब बाहर चलते हैं है ना। बंद कर दे इसको, ये इसी कमरे में कर दो बंद, देखो भूत के साथ ही रहेगा ये तो बंद ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा है ना, सब जाम हो चुका है। ये क्या है? ये हमारा गाड़ी है ना, लियो गाड़ी का है, गाड़ी का ये। और ये क्या था भाई? ये वाला घर तो हमने देखा ही नहीं था है ना। हाँ नहीं, ये बाथरूम था। अच्छा ये बाथरूम था। हाँ ये वाला घर भी है क्या, बगल वाला? अरे भूत भागो, अरे भागो। तो गाइस ये देखिए मेरे भाई की तो चप्पल भी टूट गई भगने के चक्कर में, इसको इतना डर था कि भूत असलियत में इसके सामने ही ना आ जाए। तो ये देख सकते हो आप गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे भाई का 100 रुपए का नुकसान हो गया, चप्पल ही भाई की टूट चुकी है, इतना डर लग गया था भाई को गांव में रहने के बाद भी। यहीं से समझ लो गाइस कितना हॉन्टेड प्लेस होगी। हमारी चप्पल तो सही सलामत है गाइस, भाई का तो हो गया 100 रुपए का नुकसान। तो भाई कुछ बोलना चाहते हैं? भाई बता दिए क्या भाई, इसका तो भगने में भूत से डर रहा है, इतना भगने में चप्पल ही टूट गया इसका। तो ये देखिए इस बंदे को बहुत ही ज्यादा डरता है भाई को, और सबसे ज्यादा और निडर बन गए थे कि मैं अकेला जाऊंगा घर के अंदर, मैं घर में घुस के मतलब भूतों को मैं अकेला देख लूंगा। है भूत से लड़ने गया था, पहले ही भग रहा था, भूतों से लड़ाई करते करते भाई 100 रुपए के नुकसान हो गए। तो भाई बता दो भाई, अब भाई इतना भाई मेहनत करता है, मेरा भाई मेहनत करता है इतना, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। तो करते वीडियो का यही एंड।